नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ट्रेवल साथी इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं रेड गो ट्रिप चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विशाखापट्टनम यानी वाईजेक से लगभग 115 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन अरक्कू वैली घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि विशाखापट्टनम से अरक्कू कैसे जाएँ, बेस्ट च्वाइस बस से जाना अच्छा होगा या फिर ट्रेन से जाना अच्छा होगा, अरक्कू कितने दिन का प्लान करें, अरक्कू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अरक्कू में हमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा, अरक्कू दोस्तों घूमने का कितना खर्चा आएगा, तो संपूर्ण ए टू जेड जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आपने हमारी रेड गो ट्रिप का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब हम अरक्कू वैली की शुरुआत अरक्कू वैली की परिचय से करते हैं। दोस्तों, अरक्कू वैली भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। दोस्तों, अरक्कू घाटी को आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहा जाता है। अरक्कू वैली दोस्तों लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अपने काफ़ी बगानों और बोर्रा केप के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, यह जगह किसी का भी मन मोह लेता है। यहाँ के खूबसूरत घाटियाँ, झरने, बगीचे हमेशा यादगार रहते हैं। यहाँ आप दोस्तों कपल, ग्रुप ट्रिप तथा फैमिली ट्रिप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अरक्कू में आपको जगह जगह बाम्बू चिकन भी खाने को मिल जाता है। यहाँ जगह जगह रास्ते में आपको बेचते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। गाइस, अभी हम कॉफ़ी फैक्ट्री में अंदर आ चुके हैं। अगर आप दोस्तों कॉफ़ी के शौकीन हैं तो यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का कॉफ़ी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम को शॉर्ट में वाईजेक कहा जाता है, क्योंकि यह वाईजेक वर्ड हम कई बार वीडियो में यूज करेंगे। तो वाईजेक का मतलब विशाखापट्टनम होता है, आप इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि अरक्कू वैली कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, अरक्कू जाने के लिए सबसे पहले आपको विशाखापट्टनम आना होगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक विशाखापट्टनम नहीं घूमा है तो हमने विशाखापट्टनम घूमने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक इस अरक्कू वैली के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। साथ ही दोस्तों, यह अरक्कू का वीडियो जैसे ही खत्म होगा स्क्रीन पर ऑटोमेटिक विशाखापट्टनम का भी वीडियो आ जाएगा, तो आप विशाखापट्टनम की वीडियो को आप यहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम से अरक्कू जाने के तीन तरीके हैं। पहला है दोस्तों बाई ट्रेन, दूसरा है दोस्तों बाई बस, तीसरा है दोस्तों बाई टूर बुकिंग से। अब हम आपको समझाते हैं कि बाई ट्रेन कैसे जाएं अरक्कू। तो दोस्तों, अगर आपको सच में नेचर का फुल मजा लेना है तो आप बाई ट्रेन ही जाएं। ट्रेन के रास्ते में आपको एक से बढ़कर एक झरने देखने को मिलेगा, कई सारे टनल देखने को मिलेगा और सुंदर सुंदर दोस्तों घाटियां भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अपने आप फ़ोन की बैटरी पूरा फुल चार्ज कर लें दोस्तों, सुंदर सुंदर रील बनाने के लिए और फोटो और वीडियो के लिए भी। अब आप स्क्रीन पर ये देखें दोस्तों ट्रेन का लिस्ट जो प्रतिदिन विशाखापट्टनम से अरक्कू के लिए जाती हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप 6:45 AM वाली ट्रेन में विशाखापट्टनम आने से पहले रिजर्वेशन करा लें, तभी आए, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप ये ना सोचो कि हम आके टिकट बुक करेंगे, भाई लोग आप पहले ही टिकट बुक कराकर ही विशाखापट्टनम आएँ। दोस्तों, हमारी इस ट्रेन की 4 घंटे की लगभग सफ़र होता है। लगभग हम लोग दोस्तों इस ट्रेन से सुबह के 11 बजे तक अरक्कू पहुंच जाते हैं। अगर आपको दोस्तों अरक्कू से सेम डे रिटर्न होना है तो आप दोस्तों रिटर्न के लिए इस ट्रेन में आप टिकट बुक करा लें। दोस्तों, यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है अरक्कू से वाईजेक के लिए। यह ट्रेन आपको रात के लगभग दोस्तों 10:45 पर आपको मिल जाती है। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों कि अरक्कू बाई बस कैसे जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया किसी कारण बस, तो आप बाई बस द्वारा जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको विशाखापट्टनम में आपको RTC कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह RTC कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड ललिता ज्वेलर्स के बगल में स्थित है। दोस्तों, अगर विशाखापट्टनम से अरक्कू वैली जाना है तो इसके दो रास्ते हैं, एक है बाई ट्रेन और एक है बाई बस। अगर बाई ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको पहले से उसकी बुकिंग करना पड़ेगा।
जो विशाखापट्टनम से तीन ट्रेन जाती है, एक मॉर्निंग में जाती है 6:45 एंड 8:30 एंड नाइट में, तो अगर उसकी पहले से बुकिंग नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब भी आप विशाखापट्टनम से रॉकू वैली के लिए जा रहे हैं तो आप उसकी पहले से टिकट बुक कर लीजिए। मैंने भी बुक किया था, तत्काल बुक किया टिकट, बस वो टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया, इस वजह से वो उस ट्रेन को हमको छोड़ना पड़ा। फिर हमने लिया बाई बस, तो बाई बस की भी एक प्रॉब्लम है कि आपको आंध्र प्रदेश टूरिज़्म जो है, आंध्र प्रदेश की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ से अभी आपको लिंक में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आप उसकी वेबसाइट से जाकर बस की बुकिंग कर लें। और अराकू के लिए आपको 26 नंबर प्लेटफॉर्म से बस जाती है, जो बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपको आना पड़ेगा, बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स आना पड़ेगा। यहाँ पे 26 नंबर प्लेटफॉर्म से बस जाती है, जो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको बस मिलती है। जो बस का किराया है प्रति व्यक्ति वह 190 रुपये है और लगभग वो 4 घंटे की जर्नी होती है। तो हमने भी टिकट पहले से बुक नहीं किया, तो मैं भी अचानक से इसमें आया। इसमें है कि पहले से अगर आपको बुक किसी ने किया है तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। ये देखिए बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं हम बस, और ये हमारी सीट है। तो दोस्तों बाकी आपको चल के दिखाते हैं अराकू वैली में कैसा है, वहाँ घूमने का क्या क्या चीज़ें हैं। अराकू का बस स्टैंड है, अराकू बस स्टैंड, अराकू वैली आ चुके। दोस्तों अभी हम आपको अराकू लेकर आ गए हैं, अब हम आपको घुमाते हैं यहाँ अराकू में क्या क्या सारा चीज़ घूमने के लिए है। दोस्तों अराकू घूमने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों अराकू में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती है घूमने में। तो पहला दोस्तों प्रॉब्लम आता है कि दोस्तों अराकू बहुत छोटा जगह है, तो यहाँ पर कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं होता, यानी स्विगी जोमेटो की यहाँ पर सर्विस नहीं है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टैक्सी की भी बुकिंग नहीं है, यानी ओला रैपिडो ये सब भी यहाँ पर नहीं चलता है। तीसरा चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों, होटल की बुकिंग, तो दोस्तों मैं बताऊँ कि जब पीक सीजन होता है ना, तो यहाँ पर जो होटल ऑनलाइन जुड़े हैं वो बहुत सारे ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीजन आता है तो उनकी अच्छी यहाँ पर कमाई होती है। बाकी वैसे कुछ कुछ साइटों पे आपको ऑनलाइन होटल दिख जाएंगे, कुछ कुछ साइटों पे नहीं दिखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप ऑनलाइन में जो भी आपको होटल जितने रुपए में बुक किए हैं, आप वहां पे जाते हैं तो उतने रुपए में वो नहीं मिलता पीक सीजन में। बाकी अगर सीजन ऑफ है तो आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इन सभी चीजों का प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों कि हमें वहाँ पर जितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब दूर दूर हैं, तो उसके लिए हमको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है घूमने के लिए। तो आप जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अब हालाँकि होता क्या है कि सुबह में एक ही ट्रेन आती है और उसी ट्रेन से सभी लोगों को घूमना होता है, तो गाड़ियाँ बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। तो अब दोस्तों होता है कि आप इसकी प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, रेडगो ट्रिप के हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे आप फोन करके दोस्तों आप गाड़ियों का प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, होटल की भी बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको अराकू में घूमने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन आप जरूर करें। दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों विशाखापट्टनम से ही अराकू का पूरा टूर पैकेज भी ले सकते हैं। आप विशाखापट्टनम से अराकू आने के लिए भी आप चाहे तो कैब से भी आ सकते हैं, वो सब कुछ आपके बजट पर टोटल चीज़ें डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अराकू घूमने का कितने दिन का प्लान बनाएं। तो दोस्तों अगर आप सुबह वाली ट्रेन से अराकू गए हैं और रात वाली ट्रेन से वापस आना है विशाखापट्टनम, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन का ही प्लान करें। इसके लिए आपको होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको घूमने के लिए गाड़ी ही लगेगा और बाकी जो दोस्तों आप दोपहर में लंच करेंगे वो इसी का ही आपका खर्चा होगा। दूसरी चीज़ कि दोस्तों अगर आप अराकू का खुल के पूरा नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं, अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं दोस्तों, वन नाइट टू डेज का प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अराकू में कहाँ कहाँ घूमना है। तो दोस्तों अराकू में वैसे कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन हम आपको दोस्तों सिर्फ महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में बताएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों बोर्रा केव।
बोरा केप अरक्कू रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोरा केप अरक्कू में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले प्लेसेस में से एक है दोस्तों। बोरा केप अनंतगिरी की पहाड़ियों पर बना है। इस केप के अंदर दोस्तों एक शिवलिंग भी है और केप के अंदर दोस्तों बहुत अंधेरा है रहता है, इसलिए इस केप को देखने के लिए टूरिस्टों के लिए रंग बिरंगे अंदर लाइटें लगाई गई हैं। सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा फेमस जगह दोस्तों ट्राइबल म्यूजियम है। ट्राइबल म्यूजियम दोस्तों अरक्कू का सबसे ज़्यादा फेमस प्लेसेस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। दोस्तों ट्राइबल म्यूजियम यह रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है और दोस्तों इसमें आदिवासियों को दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अंदर से। दोस्तों अब हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम के पास और अब आपको अंदर से हम दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और कितना टाइम लगेगा और कितना यहाँ का एंट्री फीस है। चलिए देखो दिखाते हैं अब हम आगे। दोस्तों ट्राइबल म्यूजियम का जो एंट्री फीस है वह एडल्ट का 50 रुपये है दोस्तों और चाइल्ड का 25 रुपीज पर पर्सन है दोस्तों। तो अब दोस्तों अब हम लोग टिकट लेके यहाँ से एंट्री करेंगे। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कई सारे एडवेंचर एक्टिविटी भी की जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों इस बोर्ड पे कई सारे एडवेंचर का नाम लिखा हुआ है। अब हम दोस्तों आपको इसका प्राइस दिखाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों जो आप पोस्टर देख रहे हैं इस सभी पोस्टर पर जितने भी एडवेंचर एक्टिविटी हैं उनके सभी रेट लिस्ट लिखे हुए हैं। तो ट्राइबल म्यूजियम में आप आते हैं तो अलग अलग एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको प्राइस दिखाया है लोग यहाँ पर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा आप समय बिता सकते हैं। कॉम्बो लेते हैं सभी इसके एक्टिविटी लेते हैं तो 800 रुपीज़ में होता है, कोई 4 एक्टिविटी चॉइस करते हैं तो 600 रुपीज़ में हो जाता है। तो आप कई सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देख रहे हैं रेडगो ट्रिप चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए हमारे ऊपर एक्टिविटीज़ दोस्तों। ट्राइबल म्यूजियम देखने के बाद हम आपको लेकर आ गए हैं कॉफ़ी म्यूजियम। कॉफ़ी म्यूजियम ट्राइबल म्यूजियम के जस्ट बगल में है। तो चलिए इसका अंदर से हम आपको दिखाते हैं कितना इसका एंट्री फीस है, क्या क्या इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो कॉफ़ी म्यूजियम में 20 रुपीज़ का टिकट मिल रहा है, टिकट हमने ले लिया, अब चल रहे हैं हम लोग अंदर। अब कॉफ़ी म्यूजियम में मैं अंदर आ चुका हूँ, अब आपको ले कर चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। इन 100 रुपीज़ राइडिंग होता है यहाँ पे। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं पदमपुरम गार्डन और यहाँ का मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि यहाँ की एंट्री फीस कितना है और क्या क्या आपको अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, सुबह 8:30 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। और जो एडल्ट का फीस है यहाँ 50 रुपये पर पर्सन और चिल्ड्रेन का 25 रुपीज़ है। और इस गार्डन में इसकी मेन गेट है। दोस्तों पदमपुरम गार्डन के अंदर ही बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि बॉटनिकल गार्डन अलग है, पदमपुरम गार्डन अलग है, दोनों एक में ही है। दोस्तों बॉटनिकल गार्डन दिखाने के बाद हम आपको लेके आ गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री। बॉटनिकल गार्डन से दूरी जस्ट 100 मीटर, इससे ज्यादा नहीं है, 100 मीटर ही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अब यहाँ का। गाइस अभी हम कॉफ़ी फैक्ट्री में अंदर आ चुके हैं और कॉफ़ी भी हमने पिया, इंजॉय भी किया, ठीक है। अच्छा अलग अलग टाइप का चॉकलेट कॉफ़ी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो गाइस हम आपको अरक्कू वैली का टूरिस्ट स्पॉट चापड़ा वाटरफॉल लेकर आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या सारा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। ये सिंपल वाटरफॉल है यहाँ पे, सब लोग अपना अपना अलग अलग पिकनिक कर रहे हैं इधर। ये सारा चीज़ें हैं और बैक कौन दिखा रहे हैं यहाँ पे।
दोस्तों जितने मुख्य टूरिस्ट प्लेस है अरक्कू में उन सभी के बारे में हमने बता दिया। अगर इसके अलावा और भी अगर आपका घूमने का प्लान है दोस्तों तो बाकी और भी प्लेसेस का नाम हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से प्लेस का नाम देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अरक्कू घूमने का कितना बजट आएगा। दोस्तों मैं अभी आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी अरक्कू वैली में ही हूँ। यहाँ पे लूटमारी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न कोई ओला है, न उबर है, न स्विगी है, न जोमेटो है, न कोई भी ऑनलाइन होटल बुकिंग है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं सभी टूरिस्ट से ही यहाँ के लोगों की टोटली कमाई है। एक दो किलोमीटर, अभी जैसे रात का समय हो रहा है लगभग 9:15, और मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, ओके। 2 किलोमीटर का ऑटो वाला 500 रुपीज़ मांग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, और उसके बाद मैं बताऊं कि अभी एक बस थी, अभी जाना था यहाँ से अरक्कू से मुझे वाईजैक के लिए। जैसे ही बस आया, बस में तुरंत भीड़ हो गया, तुरंत लोग भर गए, और मैं बस के चक्कर में मैं वेट कर रहा था। बस में मैं बैठ नहीं पाया, बस भी मेरी छूट गई। अब मुझे जाना रेलवे स्टेशन, 11 बजे ट्रेन है। तो कुल मिला के मेरा एक कहना है दोस्तों कि बिना कंप्लीट पैकेज लिए हुए आप यहाँ अरक्कू ना आए, और क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़े थोड़े दूर का जाएंगे, ऑटो वाले 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये मांगेंगे, तो आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप रेडगो ट्रिप के बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करके आएँ, अपना पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर ही आएँ कि कितना लगेगा घूमने का। नहीं, आप जितना बचाने के चक्कर में रहेंगे उससे ज़्यादा आपका लग जाएगा। ये मेरा आपका फाइनली सजेशन है। तो दोस्तों मैं आप वाईजैक और अरक्कू दोनों एक साथ घूमेंगे, और आपको मैं बता दूं कि जो वाईजैक है वह 2 दिन में पूरा टूर प्लान कंप्लीट हो जाता है, और अरक्कू में अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी म्यूज़ियम और ट्राइबल म्यूज़ियम और बर्रा केव अगर देखते हैं तो ये 1 डे का टूर होता है, वन डे में भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि 3 डेज़ यानी 2 डेज़ आप वाईजैक में दीजिए समय, और 1 डेज अरक्कू में समय दीजिए, तो अपना कंप्लीट पैकेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मैं हूँ सूर्य प्रताप सिंह, और आपसे विदा लेता हूँ। वाईजैक और अरक्कू का कंप्लीट टूर गाइड का वीडियो आपने देख लिया, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेडगो ट्रिप के बोर्ड लाइन नंबर पर आप फ़ोन करके ज़रूर आएँ। दोस्तों सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है यहाँ पर इंग्लिश कुछ लोगों को समझ में आती है, बहुत सारे लोग तेलुगु ही बोलते हैं। ऑटो वाला कोई भी हो सिर्फ तेलुगु ही बोलेगा, और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू आएगी, और बहुत ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनाएंगे यहाँ पे। हिंदी वाले को खास कर सबसे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो प्लीज़ अवेयर, और रेडगो ट्रिप के पूरे गाइडेंस को आप फॉलो करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो में।